पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्राधिकरण विभाग ने डोमेस्टिक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कर यात्रियों को सुविधाएं दी है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के DGCA प्रदीप अधिकारी ने बताया कि काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शामिल डोमेस्टिक हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसको जल्द ही विस्तार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत और अन्य देशों से नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के साथ देवदर्शन को दर्शनार्थी आते हैं, जो नेपाल की पर्यटन नगरी पोखरा लुम्बिनी भी जाते हैं। उनके लिए नेपाल सरकार के माध्यम से अनेक सुविधाएं देने के हमेशा तत्पर रहती है। पहले वो 12 सीट वाला जहाज डिपार्चर एंड लैंडिंग हुआ करते थे, नाउ ऑलमोस्ट 80 सीटर जहाज वहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। रात्रि काल में भी ऑपरेट हो रहा है टिल 12 o'clock इन midnight. सो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। नमस्ते, नेपाल के साथ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर पीछे की बिल्डिंग देख रहे हैं आप, क्लासिकल मतलब ट्रेडिशनल तरीके से ये बनी हुई है यहाँ पर। और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये, और त्रिभुवन का नाम जो क्यों पड़ा है, त्रिभुवन वीर विक्रम वीरेंद्र शाह के नाम से ही ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पड़ा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यहाँ कई ऐसे एयरपोर्ट जो डोमेस्टिक थे जिनको अपग्रेडेड किया गया है। अपग्रेडेड के साथ साथ त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसको भी जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। और हम बात करें यहाँ से जो पोखरा है, जो पर्यटक स्थल बताया गया है काठमांडू के पास, वो भी डोमेस्टिक था, उसको भी इंटरनेशनल अपग्रेड कर दिया गया, बन चुका है। हम आपको बताएंगे इसके बारे में भी। और बात करें गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, लुम्बिनी को भी भैरवा इंटरनेशनल, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से अपग्रेड कर दिया गया है। अभी हम यहाँ आपको बताएंगे कि यहाँ के जो DG हैं, जिनका नाम प्रदीप जो अधिकारी हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से और अपग्रेडेड होने हैं और एयरपोर्ट पर क्या काम चल रहे हैं और क्या लोगों को सुविधाएं हो पाएंगी। जो बाहर से आने वाले हैं उनको अभी तक तो सुविधाएं दी जा रही हैं, आगे क्या बेहतर हो सकता है ये हम आपको अभी आगे बताएंगे। अभी हमने आपको बताया था कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सारी चीज़ें बताई थी। यहाँ हमारी बात हुई DGCA से, जो प्राधिकरण के जो DGCA हैं उन्होंने बताया, जो जिनका नाम है प्रदीप अधिकारी, जिन्होंने बताया कि लगातार हम इस हवाई जहाज को लेकर हम काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट को लेकर काम कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक है उसको भी हमने कन्वर्टेड किया इंटरनेशनल में, और लगातार हमारी सेफ्टी को लेकर हो, चाहे वो पैसेंजर को लेकर हो, तो लगातार हमारी निगाह में ये काम किए जा रहे हैं और आगे भी इन चीज़ों को अपग्रेडेड किया जाएगा। और नेपाल सरकार लगातार काम कर रही है। श्वेत बरगुप्ता, काठमांडू, नेपाल।